इसमें लगाओगे पावर कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर और हर लगाना। चीज का एक नाम के अकॉर्डिंग बताना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसमें कितनी पावर आ रही है, इसको क्या काम है, उसकी अकॉर्डिंग मुझे आज पूरी मतलब स्टडी लेवल पे आप पूरी डिटेल्स में बता दीजिए। ये क्या था, ये आपकी इसमें कनेक्टर है, ये कनेक्टर मतलब पावर बोर्ड है जिसमें ये लगेगा, है ना, ये तो ठीक है, पता ही हाँ आपको, जी, हाँ जी, ये लगेगा। ये लगने के बाद ये इसका है, इसमें दो बोर्ड है, ठीक है, एक बोर्ड है इसका कंट्रोल बोर्ड, इसको डीसी डीसी बोर्ड बोलते हैं, ये इसका बूस्ट सेक्शन है, बूस्ट सेक्शन डीसी डीसी सेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है कि ये आएगी यहाँ से पावर, ये इसका इनपुट सेक्शन है यहाँ तक, यहाँ तक इसका इनपुट सेक्शन है, हाँ, जैसे ठीक कि है, नहीं, एक मिनट, यहाँ पावर आपकी लगेगी, ये आपके पावर जाएगा लगेगी यहाँ पर, कितने वोल्ट जा रही है, 230 यहाँ वोल्ट पे, हमने यहाँ दो पर सौ दे दिया, हाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी इसमें आएगी, एसी सप्लाई। फिर ओके, ये यहाँ से उठ करके, ये इसमें वीडीआर लगेगा, वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, एक मिनट, तो पीछे का एग्जॉस्ट फैन बंद कर दें, बंद कर दें, आवाज बहुत ज़्यादा कर रहा है, बंद कर, ठीक है। ये है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसकी वोल्टेज नोटबुक है, भी दे दो इसको समझाने नहीं के लिए, अगर और आपको नोट करना तो मुझे भी याद है सारी चीज़ें, मतलब कुछ समझाने के लिए, मतलब नोटबुक की अगर हेल्प चाहिए हो तो, जो जिससे कि और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ आप। नहीं नोटबुक की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही एक्सप्लेन ना कर दूंगा। जैसे कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाई मतलब जैसे वोल्टेज, कि वोल्टेज घटेगी या वोल्टेज बढ़ेगी, इसका रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। इसका यूज़ तो इसलिए होता है कि अगर वोल्टेज अगर अप डाउन होता है तो ये चीज़ फ्यूज को उड़ा देगा, हाँ फ्यूज को उड़ा अगर देगा, वोल्टेज में ये पैरेलल में लगा होता है, दोनों के पैरेलल पैरेलल में लगा में होता लगा है, रहता है, तो जिस अगर वोल्टेज अगर अप डाउन अप है या डाउन है, तो अगर जैसे भी अप डाउन होता है तो ये इसको उड़ा देगा फ्यूज को, इसको उड़ा देगा, क्योंकि आगे फिर सप्लाई देगा नहीं, और देगा नहीं, जिसकी आगे का पूरा सर्किट सेफ हो जाएगा। सेफ रह जाएगा, ये चीज़ आपको पहले से ही पता ही है, वो ठीक चीज़ है। एक पता होना और अभी आप सीनियर से आप सीख रहे हो, क्लियर होना बहुत फ़र्क है, इसलिए मैंने कहा था कि हर एक चीज़ के बारे में बताते जाइए, थोड़ा मुझे भी क्लियर हो जाएगा, अब आगे जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे जानता हूँ उस चीज़ के लिए। वो जो करने वाला काम यही है क्या जो निपटाना है या आएगा, निपटाना है, आएगा भी और माल काम भी बहुत है अभी। काम भी बहुत है, ठीक है। तो शुरू कब करेंगे हम लोग रिपेयर करना, ताकि भी मैं साथ के साथ बताता रहूँ आपको। फिलहाल तो अभी इसके ऊपर एक पूरी स्टडी बता दीजिए, उसके फिर काम थोड़ा हो जाता है, फिर मेरे को भी आ जाएगा ना, फिर दिन मिल के साथ शुरू कर देना है। तो ये फिर ये वोल्टेज आएगी इसमें, ये इसका इनपुट सेक्शन है, अच्छा ठीक ये है, वाला जो है ना, ये सारा इसका इनपुट सेक्शन है, ये इसमें कहाँ तक इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इनपुट सेक्शन है। इसमें जैसे कि ये दो रिले हैं, ये रिले है, ये रिले है, ये बॉक्स कैपेसिटर इनको बोलते हैं, ये ठीक है, बॉक्स कैपेसिटर है, बॉक्स कैपेसिटर है, बॉक्स कैपेसिटर है, इनका काम क्या है, इनमें बॉक्स ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम फिल्ट्रेशन करता का है। काम करता है, फिल्ट्रेशन मतलब वो क्या होता है कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को पास कर देता है, डीसी को रोकता है एसी एसी को को पास पास कर कर देता है, देता है, तो ये फिल्टर हो गया, क्योंकि फिल्टर हो गया, जहाँ पे एसी कंपोनेंट कोई है उसको पास कर देगा, डीसी कंपोनेंट है उसको रोक देगा, तो इससे क्या होगा कि आगे जो सर्किट है उसको नुकसान किसी प्रकार का नहीं नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया कैपेसिटर का पता चल गया। रिले, रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाइड करने पे मैकेनिकल मोमेंट करता है, इट इज ए इलेक्ट्रो मैकेनिक डिवाइस विच वर्क्स डिवाइस, ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मैकेनिकल मोमेंट, सॉलिड स्टेट होता है ये, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का है, तो आपको पता ही है कि ये करंट का अपोज करता अपोज है, करता हाई है, करंट गुजरने नहीं नहीं देता देता, अपने अंदर से, ये तो कभी खराब ही नहीं होते कैपेसिटर है, ये भी सिरेमिक कैपेसिटर सेरामिक जिसको बोलते हैं, ये पता चल गया। इंडक्टर है, इंडक्टर है, इंडक्टर तो विजुअली पता लग जाएगा देखने से कि भाई खराब है या नहीं है,
खराब है तो जला जला दिखेगा, खराब नहीं है तो ऐसा बिल्कुल एज यूजुअल जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा। गर्मी लग रही है। नहीं कोई बात नहीं, गर्मी तो ये तो इनपुट सेक्शन हो गया, पता चल गया आपको। इसमें कुछ पूछना हो तो डाउट होगा बताओ। यहाँ से हमने 220 वोल्ट लिया, तो यहाँ से फिर पावर आएगी फिर उससे होते हुए इसके पीओपी के पास, क्या कहते हैं कि एबीडी हाँ वीडिया, वीडिया के पास आएगा, फिर इसे यहाँ से इनपुट, ये पूरा हमारा इनपुट सेक्शन है, ये पूरा ये। नहीं तो पूरा इनपुट नहीं है ये, इतना इतना इनपुट अच्छा, सिर्फ ये इतना फिर इतना इसमें है, आ मतलब जाएगा। ये सिर्फ इतना इतना इनपुट, यहाँ से पावर आ जाती है, यहाँ पर ये इसका इतना हिस्सा इनपुट है, हाँ जी ये तो इसमें जो पावर आती है यहाँ पर आया, ठीक है 200 वोल्ट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस, जो पहला स्टेप पावर पहुँचता है किसके पास आता है इसमें सबसे पहले? सबसे पहले पावर आएगा, एक मिनट मैं इसको, सबसे पहले है ना पावर आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद फिर आ जाएगा इनमें। कैपेसिटर में या फिर कॉइल में? मतलब कैपेसिटर और कोयल ये लगे रहते हैं, कोयल पैरेलल नहीं होती, कोयल सीरीज में होती है, ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ ठीक है, है, तो पहले कैपेसिटर में जाएगा क्योंकि कैपेसिटर कैपेसिटर में पैरेलल में जाएगा है, वो, उसके बाद फिर कोयल एसी में जब को, हाँ इसमें जितनी भी डीसी उसको निकाल के एसी आगे अपने पास रोक लेगा, कैपेसिटर फिर आगे प्योर एसी प्योर एसी सप्लाई आगे दे सप्लाई कर देगा, देगा। फिर उसके बाद कॉइल ये में क्या जाएगा, करता है, ये जो डीसी को रोकता ये डीसी को रोकता है, है डीसी को तो कैपेसिटर रोकता है, ये क्या करता है, ये डीसी को पास कर देता ये पास कर देता है, ये दोनों मिलके कैपेसिटर और इंडक्टर का मेल करके इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर बनते हैं, हाई पास ओके फिल्टर लो पास फिल्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से, दो कैपेसिटर एक ये लगा करके हाई पास फिल्टर आप बना सकते हो, लो पास फिल्टर बनाने के लिए दो ये लगा दोगे इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा दोगे, लो पास फिल्टर हो गया। तो ये क्या करता है, लो पास हाई पास का क्या मतलब है कि इट्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसको पास करता जाएगा, इसका एक फार्मूला है ना वो 2 पाई FE ऐसा कुछ है, इसका फैराडे इसकी यूनिट होती है इसलिए। और ये क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है, हाँ लो फ्रीक्वेंसी को जल्दी पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का अपोज करेगा, रोकेगा हाई फ्रिक्वेंसी रोकेगा को, जाने देगा जाने जिसकी नहीं देगा, इसकी वैल्यू जितनी होगी हाँ अपने वैल्यू के इसकी अकॉर्डिंग, वैल्यू के हिसाब से। तो ये आगे समझ में आपको ठीक है, और क्या जानना बताओ। मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दीजिए पूरा कि इसमें ऐसे सेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम पहुँच गई पावर, अब इसके बाद फिर क्या काम शुरू होता है? इसके बाद शुरू होता है इसका एक क्या, उसके बाद शुरू होता है इसका बूस्ट सेक्शन, बूस्ट अच्छा वो सेक्शन, ये है इसका बूस्ट सेक्शन। ठीक है, हाँ ये इसका बूस्ट है, ये मैंने डीसी डीसी बता दिया था पहले, जब भी डीसी डीसी ये ऐसा डीसी ये वो सेक्शन है, मैंने ये जो है ना इसके देखे इधर अच्छा पे तो पता चला। एक्चुअली मैं है ना मैं एलटेक में जॉब करता था, एलटेक कंपनी जो ये भी थोड़ा वो मैं रिपेयर करता था, फिर मैंने ये ईटोन वगैरह भी करे हैं, ओके तो ये भी हम देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल्टा कंपनी में जॉब नहीं की मैंने, अच्छा, लेकिन मॉडल तो एक सीख जाओगे तो आप दूसरा भी उसके हाँ अकॉर्डिंग ही कर रिकॉर्डिंग सकते, कर सकते हैं, अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं ठीक है। तो ये भी हमने किए हैं बहुत सारे, तो ये क्या है कि अब मैं 4 साल से कहीं और जॉब कर रहा हूँ, ओके महिंद्रा अच्छा महिंद्रा महिंद्रा में, ये ठीक है। इसके इनपुट सेक्शन के बाद बूस्ट सेक्शन आता है, बूस्ट बूस्ट सेक्शन, सेक्शन ये इसका ठीक है, बूस्ट सेक्शन, ओके ये इसके है ना बूस्ट में नहीं आते ये वाले, ठीक है, ये वाले मतलब नाम क्या है इनके, प्रॉपर नाम के अकॉर्डिंग बताते जाइए आप। इनके नाम ये वो है क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर है कौन सा? ये ट्रांसफॉर्मर होता है जैसे कि है ना SM ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं मतलब, एसएम ट्रांसफॉर्मर, हाँ इसका SM वर्किंग SM प्रिंसिपल क्या है SM इसमें? ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर कभी भी AC DC पे काम नहीं डीसी पे करता, काम नहीं करता, ठीक है SM ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर होता है स्विच मोड ट्रांसफॉर्मर,
स्विच मोड ट्रांसफार्मर। स्विच मोड ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इससे पहले एक हाई स्विचिंग सर्किट लगा रहता है, आईसी लगी रहती है, वो आईसी उसको क्या करती है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी देती है जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, इसके लिए जो आईसी आप बता रहे हैं वो आईसी इसके अंदर कहाँ लगी हुई है? वो आईसी जैसे कि ये है ना बूस्ट की आईसी। ओके, ये बूस्ट की आईसी है। हाँ, ये बूस्ट की आईसी है। फिर नीचे भी कुछ कन्वेंशनल सर्किट लगा रहता है। कईयों में आईसी लगा देते हैं, कईयों में छोटे 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 कन्वेंशनल कंपोनेंट लगा देते हैं, है ना। तो ये है, फिर ये यहाँ पे मॉस्फेट हैं ये वाले। ये आई थिंक डायोड है, रेगुलेटर। हाँ, डायोड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये बूस्ट बनाता है। बूस्ट मतलब यहाँ से इसका जो है वो कितनी आई है सप्लाई इसकी, यहाँ तक तो इसकी 220 वोल्ट आ गई होगी शायद। 220 वोल्ट आ गई, ठीक है। 1 आप इसको ना थोड़ा अच्छे तरह से एक बार समझ लीजिए कि क्या कुछ है, तो उसका फिर हमारा कंटिन्यू फ्लो में बताइए फिर, मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक कि हर इसके कंपोनेंट कैसे कैसे काम करता है। थोड़ा बीच बीच में ऐसे फिर ऐसे थोड़ा सा माइंड